आज मैं भाई विनोद भाटी जी को बहुत बधाई देना चाहूँ। थोड़ा सा पीछे एक ऐसे वीर योद्धा, महान योद्धा, महाराजा सूरजमल जी की जयंती मनाने का उन्होंने फैसला किया और पूरे पृथला विधानसभा क्षेत्र में आज सुबह से उनके जन्मदिन पर, उनकी जयंती पर आज उन्होंने एक भव्य रैली निकाली है और आज जवा गांव में एक भव्य विशाल जनसभा का आयोजन उनकी जयंती के उपलक्ष्य में किया है। धन्यवाद पत्रकार साथियों, आज हमने सुबह महाराजा सूरजमल जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज हमने सुबह एक विशाल रैली रखी जिसमें पृथला के नौजवान ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मेरी उम्मीद से दुगुनी भीड़ गाड़ियों की, ट्रैक्टरों की एक अनुशासित तरीके से पूरी पृथला विधानसभा क्षेत्र में गई और सबको संदेश दिया महाराजा सूरजमल महापुरुष की जयंती का। आज हमने पहले महाराजा सूरजमल की रैली निकाली, उसके बाद एक जनसभा का आयोजन किया और जनसभा के माध्यम से मुझे आज के अपने पृथला के नौजवान को चेताना था, जागृत करना था रोजगार के अवसरों के बारे में, व्यापार के नए तरीकों के बारे में, उसके माइंडसेट चेंज करने के बारे में एक डाटा पेश किया गया है। उस डाटे के द्वारा उसे पता लगेगा कि वो कैसे अपना व्यापार कर सकता है, कैसे रोजगार दे सकता है, कैसे अपने आप को सफल कर सकता है। इस रैली के माध्यम से आज मैंने आगाज किया है विधानसभा के चुनाव का कि मैं विधानसभा चुनाव की राजनीति शुरू करती है, लेकिन मेरा आकर्षण केंद्र वोट की राजनीति नहीं होगा। मेरा केंद्र केवल नौजवान साथी होंगे, उनकी सोच को बदलना, उन्हें सशक्त करना, मजबूत करना, उनके परिवार के निर्माण के लिए, भविष्य निर्माण के लिए, देश निर्माण के लिए। आगे मुहिम को कैसे जारी रखेंगे? ये जिस तरीके से मैंने पहले छांसा में खेल प्रोग्राम कराया, ब्यालपुर में बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट कराया, प्याले में टूर्नामेंट कराया, मंदिरों के 100 गांवों मंदिरों पर गया, हर प्रोग्राम का सिर्फ एक मकसद था कि नौजवान को चेताना, नशा मुक्ति के प्रति, सफाई के प्रति, रोजगार के प्रति, अपने महापुरुषों में आस्था के प्रति और अपने धर्म के प्रति। मैं एक कार्य लगातार विधानसभा क्षेत्र में करता रहूंगा, आजीवन करता रहूंगा और मसाल से मसाल पकड़ा कर कार्यक्रम में कार्यक्रम जोड़कर आगे तेजी से चालू रखूंगा।